हे गाइस, वेलकम टू गाइडली। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सबको ऑल द बेस्ट है। एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन के लिए तो आपके पास कम टाइम है, तो जितना फोकस हो सके आप अपने रिवीजन पर ध्यान दो, ठीक है। चाहे वो जीए का हो या फिर आप ऑल ओवर मॉक से आप प्रैक्टिस करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपके पास अब चीज़ें टॉपिक वाइज तैयार करने का टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप ये कोशिश करो कि आप मिसलेनियस क्वेश्चंस या जो डुएबल क्वेश्चंस है उन पे आपकी कितनी कमांड है, या फिर उन्हें आप टाइम में कर पा रहे हो एक्यूरेसी के साथ या नहीं, इन चीज़ों पर फोकस करो। और साथ में जीए अपना डेली बेसिस पे करते रहो, एक एक मंथ नहीं तो आप पीडीएफ वाइज या कैप्सूल वाइज जो भी आप जिससे भी पढ़ रहे हो, मंथली या आपका सिक्स मंथ का कंबाइंड हो, उसको एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो एक दो बार, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है गाइस। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हमने रिवीजन नहीं किया हुआ है तो हम ऐप पोर्टल्स, आपके अपॉइंटमेंट्स, इन सब में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने लगते हैं, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि जितनी प्रिपरेशन की है उसको सॉलिड वे में करना ज़रूरी होता है, ठीक। और दूसरी चीज़ ये कि 6 PM वाली क्लास गाइज नहीं हो पाई, उसका रीज़न ये था कि मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम आती बार बार वॉइस की, तो वो चीज़ जो है वो मैं कल अपना दिखाऊंगी, तो उसको सही करवाना है, क्योंकि बहुत दिक्कत क्रिएट बार बार एकदम से क्लास के बीच में हो जाता है, तो ना मुझे अच्छा लगता है और आपको भी प्रॉब्लम होती है कि क्लास कैंसिल हो जाती है, ठीक है। मुझे भी ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं लगती कि क्लास लेने बैठो और फिर पढ़ाने का एकदम मूड रहता है और एकदम से वॉइस नया डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, आप लोग आ जाते हो। तो मंडे से क्लासेस कंटिन्यू होंगी, ठीक है, 6 PM वाली डेली मेंस की। एंड सबको ऑल द बेस्ट है, अच्छे से एसबीआई की प्रिपरेशन आप लोग करिए, जिनके पास मौका है अच्छे से इसको अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि बहुत अच्छी बैंक भी है आपके लिए और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है। जिस हिसाब से हम सप्लीमेंट्रीज देख रहे हैं कि अभी आपके मेंस के एग्ज़ाम फिर कब होंगे पता नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए, ओके। एंड एसबीआई के लिए आपको जो भी टाइम बचा है खुद के लिए मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा आप इनपुट नहीं ले सकते हो, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा कुछ अलग से सीखोगे, इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं हुआ है। इस वजह से जो आपने रखा है या फिर मॉक से, आपको अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखना है कि आप उन चीज़ों में अपना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि नया पढ़ोगे तो इतनी जल्दी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। जितना पढ़ रखा है उसी में देखो और मॉक से प्रैक्टिस करो कि चीज़ों की, चाहे आपका इंग्लिश हो, इंग्लिश में दिक्कत है तो सेक्शनल टेस्ट दे डालो, कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं लगना, आपको कुछ सॉल्व तो करना नहीं होता है। आपको क्या करना है, देखना है कि आपकी कौन सी चीज़ों में कमांड अच्छी है या फिर एक्यूरेसी आप किस पोर्शन में ला पा रहे हो इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में मैटर करता है आपकी एकदम सही से चीज़ों को करो, बहुत ज़्यादा आप रॉन्ग ना अटेम्प्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि आप जितना करोगे वो सही होगा, जब आंसर आता है तभी आप टिक करते हो, बट इंग्लिश में थोड़ी सी एक्यूरेसी इधर उधर गड़बड़ाती है काफ़ी लोगों की, तो उन चीज़ों पर ध्यान देना और जी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और कल दशहरा है तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।